इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तरकाशी में भीषण सड़क हादसा, तो खाई में गिरी बस, 26 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो चारधाम की यात्रा पर यमुनोत्री जा रही थी ये बस, इसी दौरान वो हादसा ग्रस्त हो गई। तो बता दें कि डामटा में 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी ये बस, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल पर रेस्क्यू का काम लगातार जारी है और अब तक 26 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो बता दें कि खाई में गिरने से ये बस हादसा हुआ है, ये यात्री यमुनोत्री जा रहे थे, डामटा में 500 मीटर गहरी खाई में गिरने से ये बस हादसाग्रस्त हुई है। तस्वीरें भी, और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। तो उत्तरकाशी के डामटा में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी और 26 लोगों की मौत की खबर, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख यहां पर जाहिर किया है, साथ ही मदद का ऐलान भी। लेकिन फिलहाल जो रेस्क्यू अभियान है वो लगातार प्रशासन के तरफ से चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे थे। तो देखिए, सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हादसे के बाद किस तरह से रेस्क्यू अभियान प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, और जो हादसे का शिकार हुए लोग हैं उनको, उनका रेस्क्यू किस तरह से किया जा रहा है। तो ये उत्तरकाशी की तस्वीर है भीषण सड़क हादसे की, हादसे के बाद किस तरह का मंजर और किस तरह से रेस्क्यू अभियान, वो सबसे पहले न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तस्वीर। उत्तरकाशी जनपद के डामटा क्षेत्र में मैं मौजूद हूं, जिस जगह से ये बस गिरी है हम वहीं पर मौजूद हैं। यमुनोत्री धाम को यात्रियों को लेकर बस जा रही थी और वो बस यहीं से अनियंत्रित होकर गिरी है। इस जगह में अगर आपको दिखाऊं तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, SDRF की टीमें, तमाम टीमें यहाँ पहुँची और जो लोग इस बस में सवार थे उनको निकालने की कोशिश की गई। बहुत नीचे गहरी खाई में ये बस जाके गिरी है और इसमें अब तक प्रशासन ने जो जानकारी दी है 25 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं और इसके साथ ही कुछ 2 से 3 लोग और हैं जिनको नीचे तलाशा जा रहा है। इस जगह का अगर आपको दिखाऊं तो ये वो जगह है जहां से ये पूरी बस नीचे की ओर गिरी। अगर नीचे दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरे पेड़ टूटे हुए हैं और यहीं से पूरी बस नीचे की ओर गई, और यहाँ से जब नीचे गहरी खाई में बस गिरी तो वहाँ बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन SDRF की टीम, अगर पीछे की ओर दिखाऊं, तमाम टीम मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त बिजली लगाकर और इसके अलावा अन्य जो इक्विपमेंट हैं उसके ज़रिए रेस्क्यू कार्य करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तमाम जो बॉडीज़ हैं वो नीचे से गहरी खाई से ही नीचे से लाई गई हैं और उसके बाद लाने के बाद उनको एक जगह पर रखा गया है। जो लोग मिसिंग हैं उनको तलाशने का काम इस वक्त नीचे चल रहा है। नीचे SDRF की टीमें गई हैं, खाई में उतरी हैं और वहाँ पर तमाम टीमें इस वक्त भी लगातार सर्च एंड रेस्क्यू का काम कर रही हैं। यमुनोत्री धाम में जाने वाले जो यात्री थे ये मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र के रहने वाले थे और तमाम जो लोग हैं वो यमुनोत्री धाम की ओर जा रहे थे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बस की स्पीड ज़्यादा थी और स्पीड ज़्यादा होने के चलते जब बस ऊपर की ओर आ रही थी तो ये इस क्षेत्र नीचे की ओर जाने वाली गाड़ी से बचाव करते हुए जब बस के स्टेयरिंग को घुमाया गया होगा तो शायद बस नियंत्रित नहीं हो पाई और उसके बाद यहां से नीचे की ओर गिर गई। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कोशिश ये है कि जो लोग लापता हैं उनको तलाश लिया जाए, अगर वो घायल होते हैं तो हायर सेंटर रेफ़र किया जाए और अगर लोगों की मृत्यु हो चुकी है तो उनके शवों को तलाशा जा सके। इस जगह पर जहाँ मैं मौजूद हूँ तमाम प्रशासन का अमला यहाँ पहुँच चुका है, DIG गढ़वाल से लेकर तमाम अधिकारी, SP, कप्तान, इसके अलावा ज़िले के ज़िला अधिकारी, तमाम अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं और यहां पर फिलहाल सर्च एंड रेस्क्यू का काम जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुनील डसीला, न्यूज़ स्टेट, डामटा, उत्तरकाशी। तो देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे किस तरह से रेस्क्यू टीम जो है वो यहाँ पर अभियान में जुटे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एक एक हम दिखा रहे हैं ग्राउंड से। तो उत्तरकाशी के डामटा में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज स्टेट की टीम, SDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो किस तरह से जो बॉडीज हैं, जो शव हैं, वो गहरी खाई से निकाले जा रहे हैं और अब तक 26 लोगों की जान इस हादसे में जा चुकी है। जो लापता हैं
उनकी भी तलाश यहाँ पर की जा रही है। तो प्रशासन के लिए स्थिति बेहद चुनौती है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी सामने आई है उसमें ये रफ्तार का कहर जो है एक बड़ी वजह निकल कर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि काफ़ी तेज़ स्पीड थी इस बस की और नियंत्रण खोया होगा शायद ड्राइवर का, जिसके चलते ये हादसा हुआ। तो हर एक तस्वीर हमारे संवाददाता के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी के डामटा में बस हादसा हुआ। यमुनोत्री को जाने वाले यात्रियों की बस इसी खाई में नीचे गिरी है। हम नीचे की ओर आए हैं जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एक व्यक्ति की तलाश अभी भी हो रही है, अगर वो उनको लगातार तलाशा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से समय बीत रहा है और ऐसे में बचने की उम्मीदें बहुत कम हैं, इसलिए तमाम जो टीमें हैं अब वो उस डेड बॉडी की तलाश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बस के गिरने से कई बार बॉडीज़ छटक जाती हैं और उन्हें ढूंढने में दिक्कत होती है। नीचे खाई में तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि उस बॉडी को तलाश लिया जाए। जो जो बॉडी अब तक तलाशी गई है उनको ऊपर भेज दिया गया है और इस तरह से इक्विपमेंट के ज़रिए, लाइट के ज़रिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि जिससे उन बॉडीज़ को तलाश लिया जा सके जो अभी तक नहीं मिली हैं। 26 लोगों की इसमें अब तक बताया जा रहा है कि मृत्यु हो चुकी है, 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और अभी भी तलाशा जा रहा है उन लोगों को। जो एक व्यक्ति की तलाश अभी भी लगातार जारी है जिसका पता नहीं चल पाया है। और ये भी बताया जा रहा है कि 3 साल की एक बच्ची जिसको हल्की खरोंच आई थी, वो बच्ची सुरक्षित बची हुई थी जब सुरक्षा टीमें तलाश रही थी। यहाँ पूरी जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं, कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से जो एक व्यक्ति है उसको तलाश लिया जाए। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे की ओर अगर मैं आपको दिखा पाया तो आप देखिए यहाँ से सर्च टीम जो है वो किस तरह से सर्च कर रही है। यहाँ से आपको नज़र आएगा, ये ठीक सामने से देखिए सर्च टीम नीचे से सर्च करते हुए आ रही है और कोशिश कर रही है कि जो एक व्यक्ति की तलाश हो रही है उसकी तलाश भी पूरी हो जाए, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। लगातार NDRF की टीमें, SDRF की टीमें कोशिश कर रही हैं तलाशा जाए। ये तमाम जो बॉडीज़ अब तक मिली हैं इनको नौगांव भेजा जा रहा है जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पंचनामा होगा और वहीं पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो भी इस घटनास्थल पर पहुँचेंगे, पूरी घटना का जायज़ा लेंगे और रेस्क्यू कार्य किस तरह से चल रहे हैं वो जानकारी लेंगे। अगर पीछे आपको दिखाऊं तो आप देखिए तमाम उत्तराखंड पुलिस, SDRF और NDRF की जो टीमें हैं वो ऊपर की ओर आ रही हैं। बहुत देर तक नीचे नदी में, नीचे खाई में तलाश करती रही हैं। कोशिश की गई कि जो एक तलाश है वो पूरी हो जाए। ये तमाम टीमें किस, क्योंकि नीचे करीब 250 मीटर से ज़्यादा गहरी खाई है और ऐसे में दिक्कत ये है कि रेस्क्यू करने में सबसे बड़ी परेशानी है कि टीम को इस तरह नीचे जाना होगा और वहाँ जाके तमाम रेस्क्यू कार्य पूरे करने होंगे। अब तक तमाम लोगों को तलाशा जा चुका है, जो डेड बॉडीज़ हैं वो रिकवर हुई हैं, लेकिन एक डेड बॉडीज़ अभी भी कोशिश की जा रही है ढूंढने की और उसी के लिए तमाम टीमें नीचे गई थी और नीचे से आते हुए आपको नज़र आ रही हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि हादसे के तुरंत बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कंट्रोल रूम पहुंचे और हालातों का जायजा वो यहां पर खुद लेते नजर आए। सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। आज सीएम धामी MP सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तरकाशी भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को मुस्तैद रहने के आदेश दिए हैं। उत्तरकाशी हादसे के बाद धामी सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह से हादसे के तुरंत बाद कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम धामी और हर एक जानकारी यहां पर हादसे से जुड़ी जुटाई गई। आज बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है, जो पन्ना मध्य प्रदेश की बस जिसमें ड्राइवर समेत 30 लोग सवार थे, उसमें से अभी तक 25 लोगों की जो है मृत्यु का समाचार मिला है। हमारी तरफ से सभी बचाव के, राहत के सभी कार्य किए जा रहे हैं। DM और SP दोनों को मौके पर भेजा गया है, दोनों मौके पर हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने NDRF की टीम भी वहां भेजी है, SDRF की टीम तत्काल मौके पर पहुँच गई है। जो भी बचाव के काम है, चूँकि डामटा ऐसी जगह है जो बीच में पड़ता है देहरादून और
उत्तरकाशी के बीच में, देहरादून से ज़्यादा बचाव के आसान है, इसलिए यहाँ के मैक्स हॉस्पिटल और हमारे एम्स ऋषिकेश और जो भी अस्पताल हैं उन सभी को पहले से ही जो है बता दिया है कि जो भी बचाव के काम हो सकते हैं वो किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उनका भी फोन आया है और लगातार हम लोग संपर्क में, जो भी जरूरी बचाव के लिए जरूरी चीज़ें हैं वो सब की जा रही हैं। तो वहीं उत्तरकाशी हादसे में बड़ा मौत का आंकड़ा, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, लगातार मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है और खाई में गिरी बस, 27 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो अब तक 26 लोगों की मौत की खबर थी, लेकिन अब एक और यहां पर शव बरामद हुआ है जिसके साथ ही संख्या 27 हो गई है। तो लगातार रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी की भी निगाह जो है वो इस हादसे को लेकर जो तमाम कोशिशें हैं वो यहाँ पर उस पर जुटी हुई हैं। तो बचाव राहत कार्य को लेकर एनडीआरएफ के इंचार्ज सुनील कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरिन डसीला ने, क्या कुछ कहा उन्होंने सुनवाते हैं। डामटा उत्तरकाशी में बस हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र के लोग यमुनोत्री जा रहे थे और ऐसे में बस हादसा हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि बस के गिरने से 26 लोगों की मौत हुई और एक व्यक्ति की जो घायल थे उनको अस्पताल ले जाते वक्त में मृत्यु हुई है और 27 लोगों की मौत हो चुकी है। तोमर जी मेरे साथ, तोमर जी आप भी यहाँ मौके पे पहुँचे थे, आपकी गाड़ी से भी डेड बॉडीज ले जाए जा रहे हैं। कितने बजे की घटना है, क्या कुछ हुआ था? मैं तो सर अभी आया था 8 बजे 8:30 बजे के आसपास, तो रुका मैंने देखा तो यहाँ SDRF और उत्तराखंड पुलिस लगी हुई थी। मैं रुका, मैंने कहा क्या बात हो गई, उन्होंने कहा कि गाड़ी गिर गई। मैं भी थोड़ी देर इधर रुक गया, फिर लड़कों ने कहा साथ के जानने वाले थे कि हमारी डेड बॉडी पहुँचा दो जरा नवा, मैंने कहा चलो पहुँचा देते हैं, तब से इन्हीं के साथ में यहाँ पे। कितनी डेड बॉडीज ले जा रहे हैं आप लोग? 10 मेरी गाड़ी में रखी हुई है और 16 डेड बॉडी LP में रखी हुई है और 4 को जो है रेफर किया गया था जिसमें से एक एक्सपायर हो गया, 3 जो है मैक्स हॉस्पिटल पहुँच गई। जी सर, लोगों की डेथ हो गई जी सर। क्या कब लोग क्या बता रहे हैं, क्या क्या कारण बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ होगा? पता नहीं सर, अब कुछ कह नहीं सकते क्या हुआ होगा, हो सकता है गाड़ी में कोई फॉल्ट आया हो, टेक्निकली फॉल्ट हुआ हो कुछ, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि इन दिनों यात्रा में ट्रैफिक भी ज़्यादा है और दिक्कत है, सिंगल लेन की सड़क है तो इसलिए भी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है सर ऐसे भी, या पास लेने के चक्कर में उसने गाड़ी बाहर काटी और ना संभली हो फिर चले गए नीचे, ऐसा भी हो सकता है। जी सर, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। फ्रीजनली सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र सिला, न्यूज़ स्टेट, डामटा, उत्तरकाशी। तो उत्तराखंड का प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटा है। DIG गढ़वाल करण सिंह नंगनियाल से बात की संवाददाता सुरेंद्र सिला ने। उत्तरकाशी जनपद के डामटा में बस हादसा हुआ, यमुनोत्री जा रहे बस यात्रियों की जो बस है वो नीचे गिरी और उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। मेरे साथ DIG गढ़वाल सर हैं। सर, किस तरीके से ये पूरी घटना हुई, कितने बजे के लगभग की है और अब सर्च एंड रेस्क्यू की स्थिति क्या है सर? ये करीब 7 बजे के आसपास की घटना है। तत्काल हमारे यहाँ नज़दीक में मौजूद जो रिवाई खड्ड है उसके पास हमारे SDRF की एक टुकड़ी है, जैसे ही सूचना मिली तत्काल आए, फिर उसके बाद स्थानीय पुलिस और SDRF के द्वारा रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया। ये गाड़ी जो है हरिद्वार से चली थी, इसमें मध्य प्रदेश के श्रद्धालु यमुनोत्री को जा रहे थे, तो अचानक जो है वहाँ पर संतुलन बिगड़ गया ड्राइवर के द्वारा और गाड़ी खड्ड में गिर गई। लगभग 300 से 400 मीटर गहरी खाई में गिरी है। कुल 30 लोग थे इसमें, ड्राइवर और कंडक्टर को मिलाकर 28 श्रद्धालु थे और हम लोगों ने अभी रेस्क्यू के दौरान विद इन 4 आवर में करीब 4 घायलों को हमने निकाला और उसको मैक्स हॉस्पिटल के लिए देहरादून के लिए रेफर कर दिया गया था और साथ ही 26 डेड बॉडियाँ रिकवर कर ली। इस तरह से बहुत जल्दी इतने अंधेरे में भी पुलिस के द्वारा और SDRF और NDRF और प्रशासन सबके सहयोग से ये रेस्क्यू का काम सफल हुआ है अभी। और दूसरा एक चीज़ जानना चाहेंगे सर, इसमें मृत्यु कितने लोगों की हुई है, क्या किसी घायल की भी मृत्यु हो चुकी है? हाँ, ये एक सुनने में आया कि जो 4 व्यक्ति गए थे उसमें 1 घायल की मृत्यु हुई, तो इस तरह से 3 का अभी ट्रीटमेंट मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है, बाकी 26 यहाँ पर डेड बॉडी रिकवर हो चुके हैं। इस तरह से टोटल 27 लोगों की मृत्यु इस दुर्घटना में हुई है। डामटा उत्तरकाशी बस हादसे में 27 लोगों की मौत हुई है। ओडिजनली सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, उत्तरकाशी।